HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के बाहर हैं और ये सचिवालय से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है और यहाँ आपको बता दे होलसेलर वाला है ये दुकान। देखिए आप ये ऊपर से नीचे तक हम दिखा रहे हैं, बिल्डिंग में दुकान है और इनके पास ये चीनी का स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है चीनी का इनके पास और ये कहीं ना कहीं अपनी समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन इनको प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं मिल रही है। इन लोगों का सीधा सीधा ये साफ तौर पे कहना है कि इनके पास जो चीनी आई हुई है वो 3500-3600 रुपए आई हुई है और उससे भी 10 रुपए कम में, क्योंकि जिस तरीके की महामारी है और लोगों को इस टाइम जरूरत है उसमें ये अपनी समाज सेवा करके भागीदारी निभाना चाहते हैं ताकि लोगों को आसानी से चीनी मिल जाए, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ये इनकी सोच इन महाशय जी की है और इसी को लेकर के लगातार इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया जब प्रशासन ने एक साइट चालू करी। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई दिनों से ये लोग चक्कर काट रहे हैं कि हमारी चीनी को परमिशन दिया जाए ताकि लोगों को जो सरकारी रेट है उससे भी सस्ते में चीनी मिल जाए 3500-3600 रुपए में और जो गरीब लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद हो जाए, 10 रुपए कम में भी ये चीनी देने को तैयार है। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि इनको प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं मिल पा रही है। ये बता रहे कि इनके पास ये देखिए दुकान में हम दिखा रहे कि 1200 कट्टे करीबन ये लगे हुए हैं यहाँ पर चीनी के, 50-50 किलो की चीनी है इनके पास और ये देना चाहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से चीनी पहुंच जाए, 10 रुपए कम में चीनी देने को तैयार है लेकिन लेकिन प्रशासन की ओर से इनको कोई परमिशन नहीं मिल रही है। दुकान के बाहर बैठे हुए एचआर न्यूज को इन्होंने फोन किया, न जाने कहां से नंबर लिया, हम यहां पहुंचे, यहां देखी वास्तविक स्थिति तो कहीं ना कहीं एक सोचने में मजबूर करती है स्थिति की, इतनी सारी चीनी भरी हुई है और कहीं ना कहीं मुनाफाखोर जो है ऐसे जो सच्चे समाज सेवक है उनको करने के लिए आगे नहीं आने देना चाहते। जाहिर है बाजार में जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, सीधा इन्हीं के मुंह से हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इन लोगों का कहना है और कितने समय से ये लोग परेशान हैं। लेकिन कहना ये है एचआर न्यूज का कि आप देख सकते हैं कि कितना सारा चीनी का स्टॉक है, ये गोदाम भरा पड़ा है, 1200 कट्टे अगर चीनी अगर लोगों के बीच में पहुंच जाए तो उनको सस्ते दाम पे चीनी मिल सकती है। लेकिन इस महामारी को भी कहीं ना कहीं मुनाफाखोरों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया और यही वजह है इनको प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं मिल रही कि ये चीनी बेच सके, लाइसेंस नहीं मिल रहा, एक दिन का परमिट इनको मिलने के लिए कह रहे हैं या दुकान पर बैठ करके या बांट ले इस तरीके से। और जो कहीं ना कहीं मुनाफाखोर है, जो मठाधीश बड़े बड़े हैं, वो प्रशासन से जैसा एचआर न्यूज पहले भी एक बार विश्लेषण में आपको दिखा चुका है किस तरीके से मुनाफाखोरों ने प्रशासन को घेरा हुआ है, वो आज इस खबर के बाद वास्तविकता कहीं ना कहीं सामने आती है कि किस तरीके से मुनाफाखोरों ने प्रशासन को घेर लिया और महंगे दामों पे चीजें बिक रही है और जो सस्ते पे को बेचने को तैयार है उसको परमिशन नहीं मिलती है। क्या कुछ इन दुकानदार का कहना है वो भी आपको इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। दुकान ही अब बताओ क्या मामला, पहले शुभ नेम अपना पूरा परिचय एक बार दो। मैं मिथिलेश एजेंसी से बोल रहा था, मेरे पास ये चीनी है जो 15,000-1200 कट्टे, ये माल मैं एसडीएम साहब के पास भी गया था, एसडीएम साहब ने बोला एक दिन की परमिशन, एक दिन में क्या 1500 कट्टे बिक जाएगी। सब ये दो दो किलो, पांच पांच किलो की लेकर आ रहे हैं और सब ये ढो रहे हैं ऐसा ही माल। मैंने सच बोला तो इसमें उनका परमिशन नहीं मिलेगी। क्या क्या भाव है आपकी चीनी? ये मेरी चीनी मैं 3500-3600 में देने तैयार हूँ, दुनिया ने 4000 का वो है। अच्छा, बाजार में क्या भाव बिक रही है? बाजार में चीनी 4000 का रेट खा जाए, यानी कि होलसेल में। हाँ, और आप होलसेल के अंदर 3600 देने को तैयार हैं? आपकी कोई खरीद सरकार, हरियाणा सरकार 3600 का रेट है हरियाणा सरकार का। अच्छा, और मैं 3600 की बजाय 10 रुपया कम दे दूंगा और बोले। अच्छा, आपकी नहीं खरीद रही सरकार? नहीं खरीद रही। अच्छा, हरियाणा सरकार का 3600 का रेट है तो यहाँ के अधिकारी नहीं खरीद रहे। डीसी एसपी से आप मिले? अब मैं एसडीएम से मिला था। हाँ, रविंदर जी से। हाँ, रविंदर जी से। अच्छा, क्या कह रहे हो? मुझे वो नहीं दे रहा, मैं बोला एक दिन का परमिट मिल सकता है तुम्हें। अच्छा, वैसे दुकान पे बेचो वैसे नहीं। अच्छा, और दुकान पे सब कोई आता नहीं यहाँ भाई, अब हमारे टाटा का परमिशन मिल जाए तो अपना माल ने बेच के खाली करते हैं, जिस भाव में कहे उस भाव में। यानी कि आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं? समाज सेवा करना चाहते हैं और प्रशासन आपको नहीं करने दे रहा? नहीं करने दे रहा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप अपनी बात को कि आपके पास चीनी का स्टॉक है, आप देना चाह रहे हैं सस्ते रेट में, आम लोगों तक पहुंच जाए, मजबूर लोगों तक, और वो प्रशासन परमिशन आपको नहीं दे रहा।
कोई आपकी बात वही क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन? कितने दिन से आप लोग चक्कर काट रहे हैं? मैं 3-4 दिन हो रहा, ऑनलाइन भी करा था और अरविंद जी का जो नीचे वो है नीचे वो उसका नीचे फोन होता है वेनु वाला, ये नंबर है 94-167-51-111। वो नो कहता है पहले कहाँ सो रहे थे तुम? अच्छा, ब्रह्म जी का ब्रह्म अच्छा। पहले कहाँ सो रहे थे आप? मतलब अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, अधिकारी आटा सूजी ये मर्ज में वो भाव बेच रहे हैं और मैं रेट जो हरियाणा सरकार का रेट है मैं उसमें बेचने को तैयार हूँ। जब भी कोऑपरेट ब्लैक में बिकन लग रही है मार्केट में, 130 रुपए किलो बेच रहे और हरियाणा सरकार का रेट है 110 रुपए किलो का। यानी कि सब लोग कमाने में लग गए। बीमारी का डर किसी को मतलब नहीं है बीमारी से? कोई मतलब नहीं। अगर 5-5 किलो 2-2 किलो माल बेच रहे हैं और वे सब बाहर ले जा रहे हैं और कोई भी कहीं भी जाकर मोहल्ला गली में मुझे दिखाओ कोई बेच रहा हो तो हम जो बात सही कह रहे हैं उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही।